अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खान सुनैना पाकर, मैं
चारों तरफ से हम इंसान तकलीफ पेश करेंगे। जनाब सदर इरशाद अदाकराम और प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंसान की आज़ादी का दिन, आज के दिन 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। इस दिन को हम यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। तकरीबन 75 साल गुजर गए। आज़ादी को आंखों से देखने वाली एक अभिवासी है और हम नई नस्ल के बच्चों के लिए आज़ादी थाली में रखे हुए लड्डू की तरह है, ये उठाओ और खा लो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, और हमें अब ये नहीं पता कि इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों को कैसे पापड़ बेलने पड़े थे। आज हम आज़ादी के साथ सफर करते हैं। स्कूल कॉलेज में अच्छी तालीम हासिल करके अच्छी से अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन 8 से 75 साल पहले ये सब इतना आसान नहीं था। ना अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई हिंदुस्तानी बढ़कर उनकी बराबरी करे, ना ही वो हुकूमत में हिस्सेदारी लेते थे। साथियों, अंग्रेजों की नाइंसाफी, नीच और लूट खसोट को खत्म करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने तकरीबन 150 साल तक उसमें लड़ाई लड़ी। अपना रुपया पैसा हर खानदान सब कुर्बान करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की कोशिश की। अशफाक उल्ला खान, मौलाना आजाद, गांधी नेहरू जैसे नेताओं ने हमें रहनुमाई दी और अंग्रेजों को यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। आज हम सब भारत की आज़ादी की कहानी 5 मिनट और 10 मिनट में पेश कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हर खूबसूरत परिंदे को पिंजरे से आज़ाद होने के बाद दोबारा शिकारी के चंगुल में फंस जाने का खतरा होता है। शिकारी चालाक होता है, वो नए नए तरीकों से अपने शिकार को कैद करता है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया की तरह लंबी और खूबसूरत है, जिसको दूसरे ममालिक कैद करना चाहते हैं। आज का दिवस इस बात की है कि हम नई नस्ल के बच्चों को पढ़ लिख कर ऐसे खतरनाक मुल्कों से बचाने के लिए अपने मुल्क को तैयार करना है, खुदामंद का पैगाम लेकर उठना है, ताकि हिंदुस्तान और ना कोई मुल्क किसी बड़े मुल्क का गुलाम करे। आज हम अर्ज करेंगे, हम पढ़ लिख कर ऐसे खतरनाक मुल्कों से बचने के लिए अपने मुल्क की हिफाजत करें। हिंदुस्तान को हमें एक आजाद और मजबूत मुल्क बनाने वाले बनेंगे। जय बहुत अच्छा। एक और तिरंगे में बन कर आने वाले बच्चे अलफिया चरण जमा से तेरी मिट्टी में मर जावा। मेरा नाम है अलफिया, मैं पांचवी जमात से आ रही हूँ। सब है ना, बैठ के सुनो ध्यान से। Thank you.
आपके साथ चारों जमा से सुप्रिया नारी अभी असल में सारे लड़कियां ही मेरे जान करा रहे हैं, तो लड़की को भी शादी है, तो ये भी आपको तकलीफ सुनाएंगे जमा चार से सुप्रिया जनाबे सदर सदाए कलाम और मेरे प्यारे साथियों सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज 15 अगस्त है, हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है। आज के दिन 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। इस दिन को हम यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। तकरीबन 75 साल गुजर गए। आज़ादी को आंखों से देखने वाली एक मिनट अभी बाकी है, लेकिन हम नई नस्ल के बच्चों के लिए आज़ादी थाली में रख के लड्डू की तरह है, उठाओ और खा लो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, हमको अब भी नहीं पता कि आज़ादी को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों को कैसे पापड़ बेलने पड़े थे। आज हम आज़ादी के साथ सफर करते हैं। स्कूल और कॉलेज में अच्छी अच्छी तालीम हासिल करके अच्छी से अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन आज से 75 साल पहले ये सब इतना आसान नहीं था। अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई हिंदुस्तानी बढ़कर इनकी बराबरी करे, ना ही वो हुकूमत में हिस्सेदारी लेते थे। साथियों अंग्रेजों को नहीं जाती और ऊंच नीच और लोट को खत्म करने के लिए हमारे बुजुर्गों को तकरीबन 150 साल तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अपना रुपया पैसा घर खानदान सब कुर्बान करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की कोशिश की। अशफाक उल्ला खान, मौलाना आजाद, गांधी, नेहरू जैसे नेताओं ने रहनुमाई दी और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने पर मजबूर किया। आज हम भारत की आज़ादी की कहानी को 5 मिनट और 10 मिनट में पेश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि आप खूबसूरत परिंदे को पिंजरे से आज़ाद होने के बाद शिकारी के चंगुल में फंस जाने का खतरा होता है, और शिकारी चालाक होता है, वो नए नए तरीकों से अपने शिकार को कैद करता है। हिंदुस्तान भी सोने की चिड़िया की तरह कीमती और खूबसूरत है। जिस चीज को दूसरे मोबाइल कैद करना चाहते हैं, और जरूरत इस बात की है कि हम नई नस्ल के बच्चों को पढ़े लिख कर से खतरनाक मुल्कों को समझना है, इनसे बचने के लिए उनको तैयार करना है और उस अमन का पैगाम लेकर उठना है कि फिर दोबारा कभी हिंदुस्तान और ना कोई मुल्क किसी बड़े मुल्क का गुलाम बने। आज हम अर्ज़ करें कि हम इल्म हासिल करके दुश्मनों की साजिशों को तोड़ने वाले बने और इस मुल्क को एक आज़ाद और मजबूत बनाने वाले बनेंगे। जय हिंद। Yeah।
अभी सिर्फ दो है, दोनों आइटम है, उसके बाद भी इंशाल्लाह तो अभी बुशरा ग्रुप लेते ईद के लिए बुशरा ग्रुप आ रहे चालू बनाते मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे बागबाने चमन तू सलामत रहे मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे बागबाने चमन तू सलामत रहे मेरे आशीर्वाद की नैन तो मेरे असला की अजमतों का भरा अखबारे चमन तू सलामत रहे अखबारे चमन तू सलामत रहे मेरे सहारे वतन तू सलामत रहे अंदर हो जाओ तुम अंदर आओ ना आ जाओ दो कदम अंदर हो जाओ दो दीदी को दे दो छोटे बच्चों को नहीं छोटे बच्चों को वो दो ये बड़े बच्चों को देना है ये छोटे बच्चों डबल मतलब नहीं लेना वो देखो हाथ उठा है ना उसको नहीं ये सीधे दे सिद्धि का यहाँ दो सने आलो
बताओ। सबको मिले।